शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में धान उत्पादक किसान परेशान हैं। यहां क्रय केंद्र को 15 जून तक खुले रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब राज्य में क्रय केंद्र को समय से पहले बंद कर दिया गया है। वहीं बता दें कि सरकारी खरीद केंद्रों के ऐसा अचानक बंद होने से किसान परेशान हो गए हैं। वहीं राज्य के विदर्भ के सभी जिलों में सरकारी खरीद केंद्र 15 जून तक खुले रहेंगे, लेकिन गोंदिया जिले में खरीद केंद्रों को समय से पहले बंद कर दिया गया। वहीं बता दे, इतना धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराने के बाद भी किसानों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रबी धान खरीदते समय अचानक लिए गए फैसले से किसान चिंतित है। इससे पहले राज्य में चना उपार्जन केंद्र भी समय से पहले बंद कर दिया गया था, जिसके बाद किसान अपनी उपज खुले बाजार में कम दरों पर बेचने को मजबूर थे। इस तरह चना उपार्जन केंद्र समय से पहले अचानक बंद हो जाने से 1,10,000 किसानों की समस्या अब भी बनी हुई है। वहीं उपज दर्ज कराने के बाद भी किसान उपार्जन केंद्र पर चना नहीं बेच सके। अब धान उत्पादक अपनी उपज को MSP पर नहीं बेच पा रहे हैं। वहीं जिले में सरकारी खरीद के केंद्र खुलने से धान उत्पादकों को बड़ी राहत मिली है। किसानों को 2 पैसे भी मिल रहे थे, क्योंकि खाद्यान्न एक निश्चित दर यानी MSP पर खरीदा जा रहा था। यदि सरकारी केंद्र 15 जून तक खुला रहता है तो किसानों को सारा माल बिक जाता है, लेकिन उपार्जन का लक्ष्य पूरा होने के कारण उपार्जन केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में अब किसानों की परेशानी को सामना उन्हें करना पड़ रहा है। वहीं किसानों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि शेष उपज का क्या करें। जिला विपणन अधिकारी द्वारा केंद्र को अचानक बंद किए जाने से किसान आक्रोशित हैं। जिले में 9,12,468 क्विंटल खाद्यान्न खरीदने का लक्ष्य था, इसके पूरा होने के बाद खरीद केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। वहीं उपार्जन केंद्र पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही थी। अब क्रय केंद्र के बंद होने से खुले बाजार में आवक बढ़ेगी और कीमतों में गिरावट आएगी। इसके अलावा मनमाने रेट वसूल कर व्यापारी किसानों को नुकसान पहुँचाएंगे। क्रय केंद्र बंद होने के बाद किसान अपनी उपज लेकर वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है। वहीं राज्य में चना उपार्जन केंद्र 29 मई तक खुले रहने वाला था, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि चना उपार्जन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, इसलिए इसे समय से पहले बंद किया जा रहा है। इसके बाद किसानों ने विरोध किया और फिर खरीद केंद्र को 18 जून तक खुला रखने की अनुमति दी गई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर राज्य के सभी केंद्र रातों रात बंद कर दिए गए। नतीजा ये रहा कि 1,10,000 किसान रजिस्ट्रेशन के बाद भी अपना चना नहीं बेच पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।